एवरीवन, मैं मिसेस अनु रॉय आप सबका एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के इस एफटीआर कोर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब मेरे द्वारा आपको सी सेट में भाषा से संबंधित जो दूसरी भाषा है जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा कि उसके प्रश्न कैसे आते हैं। आप सभी की यह सोच, जो सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम देते हैं, मैक्सिमम बच्चों की ये सोच है कि चूँकि सी सेट जब क्वालिफाई कर दिया गया है तो लैंग्वेज का हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कमांड जो है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में फोकस करके कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कभी माइनस मार्किंग हो जाती है, या कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे द्वारा जो उत्तर बनाया गया है या आंसर लिखा गया है, कभी कभी कुछ आंसर में हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाने की वजह से चीज़ें गलती की ओर ले जाती। इस समय ऐसी परिस्थिति में जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, आपको सहारा देता है भाषा का वो पक्ष जो 20 नंबर का प्रश्न का वेटेज रखता है। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से कम लैंग्वेज के प्रश्नों को ज़रूर देखें। हो सकता है कि इस 20 प्रश्नों में कम से कम 6, 5, 8 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके द्वारा पूर्णतः सत्य उत्तर सत्यता के साथ में वहाँ पर लिखा जाएगा। क्या हुआ, अगर ज़रूरी है कि जितने मार्क्स मिल रहे हैं उससे अगर ज़्यादा भी मिल गए तो अच्छा है, बस ये है कि नंबर कम होने नहीं चाहिए। डूबते को तिनके के सहारे की वजह से इस लैंग्वेज को हल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अभी इस पर फोकस नहीं किया तो मेंस की परीक्षा जिसमें रिटन में आपके 100 मार्क्स की हिंदी, 50 नंबर की आपकी छत्तीसगढ़ी और 50 नंबर की अंग्रेजी होती है, जहाँ पर अगर प्री में आपकी तैयारी लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी नहीं है तो मेंस में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पर चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बहुत सरल तरीके से आपको चीज़ों को बता जाएं। अब तक हमने हिंदी के बारे में जाना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं और चुनना कैसे है। अब हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की। छत्तीसगढ़ी भाषा में व्याकरण का पक्ष ज़्यादा रखा जाता है जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे स्पेशली कॉन्सेप्शन जो हैं वो प्री में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न कहता है किसमें बहुवचन प्रयोग हेतु शब्द उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गंज बहुरिया, ऑप्शन नंबर 2 गंज कन खिलौना, ऑप्शन नंबर 3 गंज घोड़ा एंड ऑप्शन नंबर 3 गंज कन। आपको बता दो कि छत्तीसगढ़ी में वचन की अगर हम बात करें तो कुछ उपसर्गों के माध्यम से और कुछ प्रत्यय के माध्यम से हम वचन परिवर्तन करते हैं। जिस तरह हिंदी में हमारे लिए ढेर, खूब, बहुत ये उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम सारा लगाते हैं तो ढेर सारा, खूब सारा, बहुत सारा बनाते हैं, वैसे ही लोग, जन, गण, संघ, वृंद ऐसे शब्दों को लगाते हैं प्रत्यय के तौर पर और वो बहुवचन बनता है। छत्तीसगढ़ी में भी हम इन तरह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है गंजकन खिलौना, ऑप्शन नंबर 2 गंजकन खिलौना हमारे लिए बहुवचन का प्रयोग सही है। गंजकन घोड़ा अगर हम कहें तो वहाँ भी बहुवचन का प्रयोग सही है। गंजकन ये एक अपने आप में बहुवचन शब्द है, परंतु प्रश्न ने क्या पूछा है कि कौन से शब्द में बहुवचन का प्रयोग जो लिखा है वो उचित नहीं है। बहुरिया, छत्तीसगढ़ में बहुओं को कहा जाता है, तो बहुरिया मन या पत्तों मन या जम्मो बहुरिया मन कह सकते हैं, पर गंज बहुरिया का जो फॉर्मेट यहाँ लिखा है वो उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन ए, यह जो प्रयोग है गंज बहुरिया बहुवचन प्रयोग में उचित नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बनिया का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन 1
बननी, ऑप्शन टू बनियाइन, ऑप्शन थ्री बननीन और चौथा है बनानी। मतलब कि हम बात करें प्रत्यय शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाने के, तो जिस शब्द का अंत से ई या ईया से हुआ हो वहाँ पर हम नीन प्रत्यय का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे कि अगर कहता है धोबी, ठीक है, चूँकि इसका अंत ई से हुआ है इसलिए शब्द बन जाता है धोबनी। और इसी तरह जब वो कहता है हमारे लिए बनिया, तो बनिया में ईया शब्द है इसलिए हमारे लिए आंसर हो जाएगा बननीन। ठीक है, चूँकि शादी के पश्चात पति का नाम धारण करने वाले शब्द में आइन प्रत्यय लगाया जाता है इसलिए हम शर्माइन मिश्राइन कहते हैं, परंतु बनियाइन जैसा शब्द कभी भी प्रयोग किया नहीं जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर सी बननीन है जो उचित है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओगर का विलोम बताइए। ठीक है, विलोम क्या है? ऐसे शब्द जिसके कि अर्थ पूरी तरह से गुण स्वभाव प्रकृति में एक दूसरे से अलग हो, ऐसे शब्द को कहा जाता है विलोम। विलोम की कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें क्या होती हैं कि कभी किस शब्द का प्रयोग यदि तत्सम प्रधान है तो उत्तर भी तत्सम प्रधान होंगे, यदि वो साधारण बोलचाल के हैं तो उसके उत्तर भी साधारण बोलचाल के होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ भी कुछ विलोम शब्द हैं जो उपसर्गों के द्वारा, कुछ प्रत्यय के द्वारा बदल कर विलोम बनाए जा सकते हैं, कुछ पहले से निर्धारित विलोम शब्द होते हैं, कुछ विलोम शब्द आकार के अनुसार और कुछ विशेषताओं के अनुसार जो है वो विलोम होते हैं। यहाँ दिया हुआ है ओगर, ओगर का यदि हम हिंदी शब्द कहें, ओगर का अगर हम हिंदी शब्द कहें तो जो हमारे लिए जो गोरा या उज्जवल कलर होता है उसे ओगर कहते हैं। अब ओगर के लिए ऑप्शन दिया है सादा, करिया, गोरिया और सांवर। सादा का अर्थ होता है सफ़ेद, करिया का अर्थ होता है काला, गोरिया का अर्थ होता है गोरा, जो ओगर का एक पर्याय शब्द है, इसलिए इन तीनों का विलोम ओगर से बनता नहीं है। ओगर का यदि हम विलोम कहें तो सांवला, ठीक है ना, तो अगर हम सांवला कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी में इसे हम कहते हैं सांवर, तो ओगर का विलोम होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी सांवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरी क्या है? वाद्य है, आभूषण है, वस्त्र है या पकवान है? छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों में से यदि हम मोहरी की बात करें तो एक ऐसी वस्तु है जिसे शादी ब्याह में या किसी अच्छे ओकेशंस में बजाया जाता है, इसलिए मोहरी क्या है? तो इसका ऑप्शन है कि मोहरी वाद्य यंत्र है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ना खसर ना पसर, मैल चाटे मारी, अजरा गजरा पानी लेके करे ये उजियारी। यह एक जनौला जिसे हम कहते हैं पहेली, लोक साहित्य के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ लोक कला संस्कृति में मुहावरा और लोकोक्ति प्रयोग किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर मानसिक कौशल को परखने के लिए, लोगों की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, तत्व, प्राकृतिक जो तत्व हैं उन सबसे संबंधित शब्दों का जाल ताना बाना पूछा जाता है, जो सारे शब्द मिलकर किसी एक उत्तर की ओर इशारा करते हैं, प्रश्नों को हल कर लेना पहेली कहलाती है, और अगर हम उसको पूछा जाए और बूझ लेते हैं तो बुझवन कहलाता है, और अगर जान जाते हैं तो वो जनौला कहलाता है। इसलिए इसमें दिया है ऑप्शन बेसन, ऑप्शन नंबर बी है उबटन, ऑप्शन नंबर सी है साबुन और ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। और प्रश्न ने क्या पूछा है, न खसर न पसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे ये उजियारी, तो इसका आंसर है सी साबुन। साबुन एक ऐसा तत्व है जिसका हम डेली जो है वो स्नान में इस्तेमाल करते हैं कि पानी की सहायता से झाग बनता है और झाग बनने के बाद ये मैलों को साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, टेटका पहुँचान बारी तक,
इस छत्तीसगढ़ी मुहावरे का किस हिंदी मुहावरे से मेल होगा? मुहावरा, जैसे मैंने अभी बताया कि लोक परंपराओं में मुहावरे और लोकोक्तियों को हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया। मुहावरा मुंह से व्यक्त एक ऐसे शब्द के एक वाक्यांश होते हैं जो किसी विशेष लाक्षणिक अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ये मुहावरे मैक्सिमम शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। इसका अंतिम वर्ण अधिकांश तौर पर ना होता है, कभी दो, कभी तीन, कभी चार शब्द के भी मुहावरे होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के भीतर किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य से हटा दिए जाने पर इसका अर्थ वहीं समाप्त हो जाता है, अर्थात ये अपनी प्रामाणिकता साबित नहीं कर सकता। जिस तरह हिंदी में मुहावरे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी मुहावरे हैं। कभी कभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी के मुहावरे एक दूसरे से मेल खाते हैं। यहाँ हिंदी के कुछ मुहावरे दिए हैं जो छत्तीसगढ़ी के इस मुहावरे से, जो पूछा है कि टेटका पहुँचान बारी तक, इसका हिंदी मुहावरे कौन से हैं जिससे उसका मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर वन दिया है ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर टू दिया है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऑप्शन नंबर थ्री दिया है एकमात्र सहारा, और ऑप्शन नंबर फोर दिया है थोथा चना बाजे घना। ईद का चांद होना का अर्थ होता है बड़े दिनों बाद दिखाई देना। एकमात्र सहारा का मतलब होता है कि किसी का एकमात्र सहारा हो जाना। थोथा चना भाजे घना यदि हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिसकी क्षमता कम है फिर भी वो बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहता है। टेटका पहुँचान बारी तक, मतलब कि एक टेटका अर्थात कि गिरगिट, इसकी पहुंच होती है केवल बाड़ी तक, मतलब वो अपने ही सीमित दायरे में होता है। वैसे ही अगर हम इसके किससे मेल खाता है कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब एक सीमित दायरा होना कि मुल्ला जो एक काजी है, एक मुसलमान का जो काजी है वो मस्जिद तक जाता है, नमाज अदा करता और अपने घर आता है। वैसे ही टेटका मतलब कि जो गिरगिट है उसकी पहुँच केवल बाड़ी, मतलब जो उसके क्षेत्र विशेष है बागीचा, वहीं तक सीमित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है टेटका पहुँचान बारी तक, तो उसका ऑप्शन नंबर बी है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो दोनों का जो अर्थ है सीमित दायरा होना वो आपका यहाँ पर सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अंगीकरण, एक प्रशासनिक शब्द है अंगीकरण। इस अंगीकरण का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? अंगीकरण यदि हम कहते हैं एक प्रशासनिक शब्द अंगीकरण, इस अंगीकरण के लिए पूछा है प्रश्न कि छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन है ग्रहण। अगर हम बात करें ग्रहण तो ये हिंदी के ग्रहण से प्रभावित है। दूसरा दिया है अपनाना, ठीक है, और ऑप्शन नंबर थ्री है आपका स्वीकार, और ऑप्शन नंबर फोर है ए बी सी तीनों, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि तीनों क्यों हैं। अंगीकार करना मतलब किसी को अपनाना, किसी को स्वीकार करना या किसी को ग्रहण करना। तो इस अंगीकरण प्रशासनिक शब्द के लिए आंसर होगा आंसर नंबर डी ए बी सी तीनों। अब एक प्रश्न है बखरी का अर्थ क्या है? बखरी, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी शब्द है बखरी, जैसे कि बाड़ी बखरी कहते हैं, तो बखरी का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बकरी, ऑप्शन नंबर बी है गाली, ऑप्शन नंबर सी है बाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है व्यंजन। छत्तीसगढ़ी में बखरी का मतलब होता है बाड़ी। बाड़ी मतलब एक घर का पीछे का एक खुला हुआ हिस्सा जहां वो थोड़ी थोड़ी सब्जियों को उगाता है, जिसे हम फुलवारी कहते हैं, जिसे हम बगीचा कहते हैं, तो बाड़ी को ही यहां पर बखरी के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी बाड़ी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाड़ा भर धान में विशेषण है, गाड़ा भर धान में विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक विशेषण,
ऑप्शन नंबर बी है तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है संख्यावाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। निश्चयवाचक विशेषण की हम बात करें तो जहाँ संख्या निश्चित है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जहाँ दो चीज़ों में तुलना होती है गुण स्वभाव के कारण उसे तुलनात्मक विशेषण कहेंगे। संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाए तो उसे हम संख्यावाची विशेषण कहेंगे। और यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न गाड़ा भर धान में विशेषण है का आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप और तौल। अगर हम किसी वस्तु या किसी पदार्थ के निश्चित माप तौल की विशेषता बताते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है निश्चित परिमाण, और जिसकी मात्रा निश्चित नहीं है तो वो बन जाता है अनिश्चित परिमाण। गाढ़ा भर, मुट्ठी भर, ठोमहा भर, पसर भर, सूपा भर, काठा, खंडी, पैली अगर कहता है तो सब एक मापक हैं छत्तीसगढ़ी में वस्तुओं के माप के। एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता कहता है, एक मील, दो मील, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर कहता है, तो सब हमारे लिए माप है। लेकिन तौल के अनुसार यदि कहता है गाढ़ा भर धान तो ये परिमाणवाचक विशेषण का आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं है, कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमन, ऑप्शन नंबर बी है एमन, ऑप्शन नंबर सी है तुमन और ऑप्शन नंबर डी है एकर। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो वचन परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ी में भी हिंदी की तरह सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे द्वारा जब हिंदी में लोग कहा जाता है, जैसे मैं का बहुवचन हम है लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं लोग, इस लोग के लिए उड़ीसा के मने से प्रभावित एक शब्द है मन, जिसका प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर वो एक वचन में मैं है तो बहुवचन में उसका प्रयोग हम हैं, जिसमें मन जोड़ने से। फिर यहाँ हिंदी की संधि के अनुसार जब दो वर्ण आए तो एक को साइलेंट कर दिया और हम मन से हो जाता है हमन। इसी तरह तुम मन से हो गया है तुमन, ए हर से ए मन बन गया है। लेकिन यदि वो एकर कहता है तो इसका मतलब होता है इसका, चूँकि यहाँ पर इसका शब्द जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके बहुवचन में नहीं है, जिसका मतलब है एकर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक शब्द कौन सा है जो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन है के, ऑप्शन नंबर टू है आपका से, ऑप्शन नंबर सी है ले और ऑप्शन नंबर डी है से और ले दोनों। अपदान का मतलब होता है जब कहीं कर्ता या क्रिया के मध्य तुलना हो, डर हो, भय हो और वह वस्तु वह कार्य कर्ता से पृथक अलग हो जाता है, तब वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं अपदान कारक का। छत्तीसगढ़ी में इसके लिए हम दो कारक विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं ले और से। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बी और सी दोनों वह सही है। जैसे कि मोर हाथ से गिलास छूट गए, मतलब मेरे हाथ से गिलास छूट गया। रुख ले पाना झड़ते है, मतलब वृक्ष से पत्ता झड़ता है। दोनों सिचुएशंस में वृक्ष से पत्ते का अलग होना और हाथ से गिलास का छूटना अपादान कारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी दोनों ये लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है बरा सुहारी में कौन सा समास का उदाहरण है, अर्थात ये ऑप्शन दिया है बरा सुहारी। बरा सुहारी
इसमें कौन सा समास है कहता है, या यह किस समास का उदाहरण है कहता है, तो मैं बता दूं। सबसे पहली बात कि जहां दोनों शब्द पदों की प्रधानता होती है, जिस समास में एक योजक चिन्ह के द्वारा दो शब्द पद बंधे होते हैं, जब इस योजक चिन्ह को जो हाइफन है अगर उसे हम अलग करते हैं, तोड़ते हैं समास विग्रह के समय, तो इसके बदले हिंदी में हम और, एवं, तथा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, माता पिता है तो माता और पिता, देश विदेश है तो देश एवं विदेश कहते हैं। कभी कभी यहाँ तीन या कभी कभी चार शब्द भी जुड़े होते हैं, लेकिन सारे शब्द पदों की अपनी एक विशेष प्रधानता होती है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दिया है कि बरस उहारी में किस समास का उदाहरण है। पहला दिया है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है आपका कर्मधारय समास। अब ये ऑप्शन है आपका द्वंद्व का, ये ऑप्शन है आपका द्वंद्व का, मतलब जो सी है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। ये द्वंद्व समास क्यों है, जब हम बात करें बरस सुहारी, तो पहली बात कि द्वंद्व समास में आने वाले एग्जांपल्स जो होते हैं वो ऑल टाइम मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, या तो अपोजिट जेंडर होते हैं, या हमेशा पेयर में आने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे आंधी तूफान, हलवा पूरी, सेठ साहूकार, ठीक है, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं खाना पीना, ठीक है, हम कह सकते हैं लाभ हानि, पाप पुण्य, अपोजिट जेंडर होते हैं माता पिता, भाई बहन, राजा रानी। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि द्वंद्व क्यों है, तो बरा और सुहारी कहता है। अब छत्तीसगढ़ी में इस और के लिए हम लगाते हैं औ, बरा औ सोहारी, अर्थात दो अलग अलग शब्द एक हाइफन के अकॉर्डिंग जुड़ा है, तब यहाँ होता है हमारे लिए द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीमक लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नून चिपक जाना, ऑप्शन नंबर टू है नून छुर होना, ऑप्शन नंबर थ्री है नून चाटना, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आता है आपका गुण मानना। नीमक लगना, छत्तीसगढ़ी में नीमक जिसका अपभ्रंशित रूप है, जो हम हिंदी में कहते हैं नमक, जो संस्कृत के लवण से या नौन से बना है, इसी नौन से हम बात करें तो यह नून बनता है, तो नीमक लगना मतलब कि नमक लगना। अब इसका सही अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहता है नून चिपक जाना, नहीं, नून छुर होना, नमकीन लगना, नहीं, नून चाटना, नमक चखना, नहीं, इसका आंसर होगा गुण मानना। आंसर नंबर डी होता है गुण मानना, मतलब कि नमक हलाली जिसे हम कह सकते हैं कि किसी के किए गए उपकार को मानना, मतलब मैंने तुम्हारा नमक खाया है वाला जो बात होता है कि गुण मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपके जो सेवा है वो की है और आपने मेरे लिए जो किया। तो नीमक लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है गुण मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच भाई के अके अंगना, पांच भाई के एके अंगना, इस जनौला का उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर वन है बड़ा बरामदा, ऑप्शन नंबर टू है आंगन, ऑप्शन नंबर थ्री है हथेली और ऑप्शन नंबर फोर है बगीचा। पांच भाई के एके अंगना कहें तो छत्तीसगढ़ में पांच भाई मानी जाती है उंगलियों को, ठीक है। अब ये होगा एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच भाई हैं, इन पांच भाइयों का एक ही आंगन है, तो हथेली इसका उत्तर है, जो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि हथेली पांच भाई के एके अंगना का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसियार क्या है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्न दिया है कुसियार क्या है, कुसियार क्या है। अब इसका ऑप्शन है होशियार, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है मादा सियार। कुसियार बोले,
तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो शुगर केन है, जिसे हम गन्ना और संस्कृत में इक्ष कहते हैं, जो हिंदी में इख कहलाती है, तो उस कुसियार को हम कहते हैं गन्ना, जो ऑप्शन नंबर सी इसका निश्चित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर को कहते हैं सिखैया, नेवरिया, जनैया, और ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक शब्द यदि हम बात करें हिंदी का, जो इंग्लिश में जूनियर है, जो हमारे लिए जूनियर है, अब वो छत्तीसगढ़ी में क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ी में जूनियर को सिखैया कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में जो जूनियर होता है उसको नेवरिया भी बोलते हैं, कि जो नया नया आया है, जिसे हम हिंदी में नवेला कहते हैं। इसी तरह जो जानने के लिए आया है उसे जनैया भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी कि सिखैया, नेवरिया, जनैया तीनों जूनियर के छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, गहबर किसे कहा जाता है? एनिमल्स में अगर हम बात करें, ऑप्शन में फर्स्ट वन दिया है लोमड़ी, सेकंड वन में है सियार, थर्ड वन में है कुत्ता, और फोर्थ वन में है लकड़बग्घा। छत्तीसगढ़ में जानवरों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि यदि हम लोमड़ी कहें तो कुछ क्षेत्र विशेष में इसे खेखर्री कहा जाता है, मोस्ट ऑफ पर्सन इसे कोलिहा कहते हैं, सियार भी कोलिहा का ही एक प्रजाति है, कुत्ता छत्तीसगढ़ी में कुकुर कहलाता है, लेकिन जो हाइना जिसे हम लकड़बग्घा कहते हैं उसे छत्तीसगढ़ी में गहबर के नाम से पुकारा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में गहबर किसे कहा जाता है? तो आंसर नंबर डी, लकड़बग्घे को गहबर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कि लुस्की क्या है? लुस्की क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लौकी, ऑप्शन नंबर बी है लस्सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका व्यंजन, और ऑप्शन नंबर डी है मच्छर। लौकी को छत्तीसगढ़ी में हम कहते हैं तूमा। किसको कहते हैं तूमा? जो गोल आकार की होती है, जिससे वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, कमंडल बनाए जाते थे, तो गोल वाला जो लौकी है वो तूमा कहलाता है, और जो बड़ी वाली है उसे लौकी ही कहते हैं, और लौकी और तूमा एक ही प्रजाति है, जो छत्तीसगढ़ी में लौकी भी बोलते हैं या तूमा कहा जाता है। ठीक है, लस्सी दही का बनाया जाता है, और इसी तरह व्यंजन, लुस्की कोई व्यंजन नहीं है, बल्कि लुस्की जो मशक, मतलब कि संस्कृत का मशक, हिंदी का मच्छर, छत्तीसगढ़ी में लुस्की के नाम से पुकारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मच्छर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अर्जेंट का छत्तीसगढ़ी शब्द निम्न में से क्या होगा? झटले, तुरते, फौरन। अब अगर आप पर्यायवाची की बात करें तो झटले, हबके, तुरते, फौरन, चटले, ये सारे हमारे लिए फटाफट, जो त्वरित, शीघ्रता से जो कार्य किए जाते हैं, कि मुझे ये काम अर्जेंट करना है, मतलब कि बहुत तुरंत चाहिए, तो ये जो झटले, तुरते और फौरन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, लगभग सभी का प्रयोग हम अर्जेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, पाप छानही चढ़ के नाचते का सही अर्थ है? अब ये एक छत्तीसगढ़ी का मुहावरा है, ठीक है, इसके छत्तीसगढ़ी में ही अर्थ दिए हुए हैं कि पाप लुका नहीं सके, पाप ले कोनो बाँच नहीं सके, पाप के छाँव में सब्बो रहते, पाप ला अपन ले दूर छानही में फेंक दे। ठीक है, तो पाप छान ही चढ़ के नाचते, मतलब कि यदि आपने कोई कुकर्म या पाप किया है तो छुपाए छुपता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर कि पाप लुका नहीं सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जो दिए हुए हैं युग्म, शुद्ध शब्द युग्म का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है नोनी टूरा, ऑप्शन नंबर बी है नोनी गुड्ढा, ऑप्शन नंबर सी है आपका नोनी बेटा, ऑप्शन नंबर आपका डी है नोनी बाबू। नोनी टूरा
ये किसी भी तरह से युग्म, युग्म क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो जोड़े में होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि एक सार्थक एक निरर्थक होते हैं, वाना वीना लगाते हैं, जैसे खाना वाना बोलते हैं, ये जोड़े में होते हैं। आंधी तूफान जोड़े में होते हैं। इसी तरह अपोजिट जेंडर भी पेयर में होते हैं, जैसे राजा रानी। अब यहाँ दिया है नोनी टूरा। अब हम यदि नोनी और टूरा को लेते हैं तो इसका जोड़ा जो है युग्म है वो उचित नहीं है, क्योंकि नोनी के साथ में टूरा नहीं बल्कि टूरा के साथ में टूरी का जो ऑप्शन है वो जुड़ना चाहिए। नोनी गुड्डा। गुड्डा एक खिलौना होता है जो बॉयज़ को कहा जाता है, या एक पुतला होता है जिससे, या किसी छोटे बच्चे को गुड्डा कहते हैं, जैसे लड़कियों को गुड़िया कहते हैं, बॉयज़ को गुड्डा कहते हैं। पर यहाँ पर नोनी गुड्डा का भी युग्म जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है नोनी बेटा। नोनी के साथ में बेटा का भी युग्म सही नहीं है, क्योंकि बेटा के साथ में बेटी जुड़ती, तो ऑप्शन नंबर डी नोनी बाबू, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर लड़कियों को संबोधित करने के लिए नोनी का और लड़कों को संबोधित करने के लिए बाबू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए जो युग्म है ऑप्शन नंबर डी नोनी बाबू ये पूरी तरह से सार्थक माना जाएगा। अब यहाँ पर से हमारी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है समाप्त होते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने आपको जो छत्तीसगढ़ से संबंधित बताए हैं, तो ख्याल रखिएगा कि हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों को मिलाकर यहाँ 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और कोशिश जरूर करें कि आप इन 20 प्रश्नों में कम जो पूर्ण रूप से आप जिसमें अपने आप को बहुत सक्षम पाते हैं कि ये उत्तर बिना किसी गलती के सही है, तो उस पर जरूर आप कोशिश करें, कम से कम एक प्रयास ही करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से हिंदी और छत्तीसगढ़ी के बारे में बताएंगे, कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे, ताकि आज के इस वीडियो में जो आपने समझा है, इस वीडियो के माध्यम से आप जितनी चीज़ें हैं वो आप एक प्रैक्टिस के तौर पर रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।